Welcome. Let's get you the latest as far as the cloudburst situation is concerned. Now, the cloudburst in JNK's Kishtwar on July 27th left behind a trail of destruction. Times Network's Pradeep gets us this report from Honzar village, where Aziz Ahmed Waza survived the tragic incident after he was rescued by the locals. Due to lack of a CT scan machine, the doctors have asked his relatives to shift him to other hospitals. Take a look. हमने बहुत मुश्किल से इसको पुजाया इधर, तो हम क्या बताएंगे? आप यहाँ डॉक्टर साहब कहते हैं गड़ा वो टेस्ट करो, गड़ा ये टेस्ट करो, गड़ा एक्सरे करो, गड़ा अल्ट्रासाउंड करो, ना हमारे पास उतना पैसा है हम इसको कहीं ले जाएंगे, तो ना हमारे पास कोई हिसाब और किताब नहीं है, ना हमें समझ आता है कुछ, हम कुछ नहीं कह सकते हैं। अब हमने पहुंचाया इसको यहाँ पर, अगर मिलेगा कुछ मदद हमें यहाँ तो ठीक नहीं मिलेगा। क्या बोल रहे हैं डॉक्टर साहब? कहता है सिटी स्कैन हमें इसमें समझ नहीं आता है क्या है इसको क्या। तो फिर सिटी स्कैन कराने में क्या दिक्कत है? पता है ना, जो खराब है हमें समझ नहीं आता है किस जगह पर इसको ये फ्रैक्चर है। एक्सरेज वगैरह करवाए हैं सारे, उसके बाद इन्होंने बोला सिटी स्कैन यहाँ पे हो नहीं रहा है, आप इनको डोडा ले जाओ, जम्मू ले जाओ या कश्मीर ले जाओ, लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे अवेलेबल नहीं है हमें चीजें, या हम अगर ऑपरेशन के लिए हम इनको अंदर ले जाएंगे उसके बाद इनका कोई पता नहीं चल रहा है कि क्या इनका होगा, सही भी होगा कि नहीं होगा। तो यानी कि आप इतनी मुश्किल से वहां से इसको ले आए? सर, हमारे पास कोई आदमी नहीं है यहाँ पे, सारे आदमी घर में हैं, जो यहाँ आए हैं उनके घर की फैमिली सारी तबाह हो चुकी है। हमारी भाभी, इनकी सिस्टर, वो तो लापता है, उनका कोई पता नहीं है। कजिन्स हैं इनके, साडू हैं, साली है, उनका भी कोई पता नहीं है। हम इतनी परेशान हो चुके हैं कि हमें कोई मदद के लिए आगे आ ही नहीं रहा है। Meanwhile, rescue operations have resumed in Kishtwar after being briefly halted due to inclement weather. While 20 people are still missing, 7 have died due to flash flood so far. 6 NDRF and SDRF teams are involved in the rescue operations and a chopper has also been kept on standby. The Honzar village in Kishtwar on 27th of July is the place which remains the worst affected due to cloudburst.